हेलो। हेलो जय माता दी। कल जय माता जी के बेटे। हाँ आप मेरी धर्मपत्नी ने भी आपसे बात किया था, सरिता शर्मा बोल के। हाँ बेटा, हाँ तो थोड़ा मेरा काम काज के बारे में, और थोड़ा वो पत्नी के भी थोड़ी बीमार उमार रहती है, और बच्चा जो है वो भी थोड़ा पढ़ाई में वो करता है बड़ा वाला, इसके लिए थोड़ी जानकारी लेनी थी। अच्छा माता जी, अब थोड़ा मेरा थोड़ा बता के दीजिएगा, मेरा काम काज में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती है, कोई भी काम होता होता काम रुक जाता है। और आप शांत तो रहें बेटे, आप ही बता देंगे तो हम क्या बताएंगे, है हाँ ठीक है, ठीक, ना। अपना शुभ नाम बोलिए। मोतीलाल शर्मा नाम है, वैसे मुन्ना बोल के भी जानते हैं मुझे, मुन्ना शर्मा, क्या नाम बताए बेटे? मोतीलाल शर्मा, मुन्ना भी बोलते मुझे, वैसे मुन्ना नाम को भी जानते मोतीलाल हैं। शर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं दूधनई बोल के ग्राम है, ग्वालपड़ा जिला है, और असम। आसाम से। हाँ और जी आपकी पत्नी का नाम सरिता शर्मा, कल सरिता उनसे शर्मा, बात हुई हाँ जी थी। हाँ 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 सरिता शर्मा। अच्छा, ठीक है। और आपको, आप तो विद्वान महापुरुष हैं भाई, आप तो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, परंतु आपकी जो विद्वानता है अभी फलीभूत नहीं हो रही, राजयोग में वृद्धि नहीं हो रही है। दोनों पति हाँ जी पत्नी के जीवन में भी कष्ट है, मनोस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य उनका डिस्टर्ब रहता है, तो उससे कहीं ज्यादा आपको डिस्टर्ब होता है। हाँ जी सत्य है कि नहीं है बेटे? हाँ हाँ जी हाँ जी, आपने वो बीमार पूछा? रहती है। मतलब मैं एक्चुअली व्यापार की वजह से, मेरा एक ये दूसरा घर है, मैं जहाँ रहता हूँ 100 किलोमीटर दूर पे, वो गुवाहाटी में रहती है, मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन उनकी बीमारी इतनी, वो मतलब आज कुछ कल कुछ और बीच में कुछ हवा वगैरह का भी कुछ दोष हो गया था, हाँ, तो एक कुछ वो थी, मतलब कुछ कुछ बोलती रहती थी, बोलते थे कि पितर है वो है। हम लोग ने घर पे भागवत पाठ भी करवाया था माता जी, तो भागवत पाठ कराने के बाद ही जैसे बोले कि मेरे पिताजी बोल के बोले, पहले तो एक बार बोले तो कि मैं आपके तेरा पिताजी बोल रहा हूँ बोल के बोले, फिर वो जैसे पिताजी आए फिर 2 4 दिन तो रेगुलर बोलने लग गए, फिर बाद में और कभी भी कोई अनुष्ठान वगैरह होता था, पूजा वगैरह होती थी तो उसमें बोलने लग जाता, बाद में ऐसे करते करते कभी कभी रात को उसको 12 बजे 1 बजे डिस्टर्ब हो जाती थी, और दांत उत लग जाता था, जाड़ी वगैरह लग जाए, फिर बेहोश हो जाती थी क्या बहुत है देर बाद। कि जो प्रेत आत्माएं हैं ना, जो पितरों का जो दोष है, प्रेत आत्माएं, तो ये पितर हाँ जीते जागते आपके घर में तो पूरे घर भर के को परेशान कर रहे हैं। अच्छा पत्नी, बच्चे, आप भी अपने व्यापार क्षेत्र में पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप इधर आया, इधर हाँ चला, इधर आया, इधर चला, दवाइयों में चला, तो एक वो रुक नहीं रहा है। 1 रुपया भी मेरे, मतलब नहीं, मैं अगर मेरे जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपया है अभी दिख गया ना, तो शाम तक मेरा वो पैसा खत्म ही हो जाता है। हाँ, तो ये सर्व सुख सौभाग्य के लिए इनका तो आप पितृ दोषों की शांति करवाएं, काल सर्प दोष की शांति करवाएं, और आप जो है माँ बगलामुखी दीक्षा लेकर के आप स्वयं भक्ति करें, आपका, आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपके जो मनोस्थिति गड़बड़ हो रही उस वो भी ठीक होगी, आपके राजयोग भी बनेंगे। ठीक है बेटे? अच्छा हाँ ऐसा है माता जी, मेरे जैसे हम लोग भी जान पहचान तो बहुत अच्छी है, ये मेघालय के मुख्यमंत्री वगैरह इनसे भी अच्छी है, राजनीतिक में भी अच्छी मेरी जान पहचान थी, लेकिन वहां से कहीं से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और जो मुख्यमंत्री जी थे वो मेरे खास दोस्त थे, मेरे घर पे आना जाना होता रहता था उनका, और जैसे ही मंत्री बताइए। बने मुझे कुछ फायदा नहीं मिला उनसे, कुछ भी 1 रुपया का आज तक मुझे कोई काम नहीं मिला, और मतलब मैं कुछ उनके पास लेके जाता था तो वो मुख्यमंत्री, नेगेटिव नेगेटिव हो जाता था, प्रपोजल ही नेगेटिव हो जाता था। मुख्यमंत्री कौन? मेघालय के थे, कर्नाड संगमा बोल के नाम है, कर्नाड संगमा पीए संगमा जी के पुत्र हैं वो अभी। अच्छा, मैंने अभी भी उनको कुछ एक काम के लिए बोला हुआ है, वो काम मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी राजयोग तो तैयार करें तो काम हो जाए, उसके लिए आप क्या काम करें? तत्काल माँ बगलामुखी दीक्षा लेकर के और भक्ति प्रारंभ कर दें, तो जहाँ अड़चनें आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है? भक्ति हाँ, मुझे खुद से करनी पड़ेगी। फोन पे ही ले लीजिए आप। ठीक है, अच्छा अच्छा दीक्षा लेने की प्रोसेस जो है वो रविंद्र बेटे से पूछ लेना, ठीक है, अच्छा वो जी बता अच्छा दें। ठीक है बेटा और जी। ये मेरा एक माता जी, एक मैंने पत्थर की क्वारी अभी ली है, पत्थर का जो होता है ना खनन जो बोलते हैं ना, पत्थर की खनन एक मैंने ली है, एक मेघालय के अंदर है एक आसाम के अंदर है, तो वो अभी काम मेरा कैसे चलेगा? हाँ आ रहे हो, तो वो राजयोग में काम वृद्धि नहीं हो रही, आपका मंगल जो है डिस्टर्ब है। मंगल कौन है? मंगल जो है भूमि पुत्र है,
और भूमि पुत्र मंगल जब आपका डिस्टर्ब है तो आपको भूमि से अभी लाभ लेने के लिए अभी मत सोचना। खनन आपने खरीद लिए जरूर है, किंतु उसमें लाभ के लिए अभी तो आप कदम ही नहीं मत उठाना, ठीक है। सबसे पहले मंगल का उपाय करें, मैया जी मंगल का की शांति के लिए मैया की आराधना करने से ठीक हो जाएगा, और मंगल जाप आप करवा लें। मंगल जाप करवाना है। हाँ मंगल जाप यही से हो जाएगा, आपकी फोटो भेज देना और मंगल जाप के लिए, मंगल जब वो आपके फेवर में कार्य करेगा तो भूमि से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है बेटे। भूमि के रिलेटिव भी दो चार काम मैंने अभी वो किया हुआ, काम आए हुए मेरे पास। प्रपोजल तो अच्छा आता है लेकिन काम संपूर्ण नहीं होता है तो वो कहीं ना संपूर्ण काम कहीं। होने के लिए ही तो माँ बगलाम की दीक्षा लेकर के आप एक दो काम नहीं, सारे कार्य में सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। और आपको अच्छा स्वयं भक्ति करके माता जी के, ऐसा नहीं कि लगातार जाप कर रहे हैं बैठे जाप ही में बैठे, वैसा नहीं। ठीक अच्छा अच्छा ठीक कैसा करना पड़ता अगर वो मैं, या तो फिर मैं किसी को करने दूं बुगला माँ मुखी का, अगर मैं जाप किसी को करने दूं तो वो ठीक रहेगा, किसी के संकल्प देके मैं करवाऊं? बगला मुखी जाप कोई भी नहीं करता, कि इसको मारना है कि अपने आप बगला मुखी जाप करेगा। अच्छा। ब्रह्मास्त्र वगैरह तुमको अभी फटाका चलाना नहीं आता, वो छोटे छोटे बम फटाके, वो छोटे छोटे फटाके नहीं होते दीपावली के, वो हाँ अच्छे हाँ से जी चलाना जी नहीं आता, और आप कह रहे ब्रह्मास्त्र को छूने की बात, अच्छा। डायरेक्ट तो ये मरना होता है। इसमें साधक सिद्ध महापुरुष ही कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैया मैं तो दीक्षा नहीं लेता, इसका मतलब तुम्हारा कहने का है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे से अगर बाय चांस नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए एक दूसरा तो उपाय बगला क्या मुखी है? की, पता है बगला मुखी अनुष्ठान में 35 से 40 हज़ार रुपए खर्च आता है, और वो खर्च आपका ना हो, आप स्वयं भक्ति करें और स्वयं सफलता प्राप्त करें। यदि स्वयं नहीं करना चाहते तो फिर आप करवाएं अनुष्ठान, यहीं से होता है अनुष्ठान बगला मुखी करो, अनुष्ठान। अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। हाँ अच्छा। अभी जैसे अभी मेरा जैसे काम वगैरह दो चार का सोचा हुआ है, काम आए हुए हैं मेरे पास, वो काम मेरे संपूर्ण होंगे या फिर अरे कैसे, वो क्या है? संपूर्ण होने के लिए ही तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। योग नहीं बन पा रहे हैं, तीसरा व्यक्ति हाथ मार लेगा। मेहनत अच्छा। करेंगे आप और तीसरा व्यक्ति, हाँ मेहनत है दो जन के बीच में, आप मेहनत करेंगे लेने वाला और एक देने वाला, तीसरा हाँ 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 व्यक्ति फायदा उठा लेगा और आप वैसे ही आंख फाड़ के देखते रहेंगे। तो ये परिस्थिति ना बने ना बेटी, अभी अपने हाथ से गया नहीं है तो वो काम आपके ही हाथों में मिले, तो इसलिए मैं उपाय बता रही हूँ आपको अच्छा जी ठीक अभी। है। अगर मैं अगर जैसे माँ का अनुष्ठान करने देता हूँ आप लोग को, तो उससे मेरे को अगर ज्यादा फायदा होता है तो मैं वो कराऊँ, या मैं खुद से करूँ वो जो आपने बोले दीक्षा लेके आप खुद करो वो ठीक आप रहेगा? ऐसा करो, अनुष्ठान तो आप कराएं और दीक्षा लेकर के फिर कम उपाय बता दूं मैं, छोटा सा उपाय बताऊंगी, केवल 5-7 अक्षर का, तो वो आप इतना ही में करोगे सब सफलता हो जाएगी, इधर से भी और आप उधर से भी कर्म करोगे, तो मैया का नाम लेके जब आप जुट जाओगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। एक मेरी पत्नी के अंदर कोई किसी मतलब वो आता था, जो पिताजी वो बोलते थे ना पित्र है बोल के वो बोलते थे, तो वो क्या सही था या फिर कुछ गलत चीज थी या क्या? अच्छा। गलत चीज नहीं है, वो सत्य था। और अभी 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 कुछ दिन पहले मैंने, हम लोग श्याम बाबा के वो हैं, हमारे इष्ट देव है, कुलदेव है, तो हमने उनकी वो की थी पूजा वगैरह की, घर पे कीर्तन में जो रखा था, तो श्याम बाबा का उनको भार आया था, तो वो हाँ हाँ भार हाँ जो है वो भी सत्य था। वो भावनाओं में विभोर होकर के जो भाव खेल रही थी, वो हाँ बहुत हाँ देर तक श्याम बाबा चढ़े नहीं रहेंगे ऊपर में, इतनी फुर्सत नहीं है उनको। हाँ 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 वो भी सत्य है, और जो इनको पितृ साथ में है तो वो भी सत्य है। तो अच्छा। भगवान जो की कुछ कृपा को भगाना नहीं है, ये दैत्यों की कृपा को भगाना है, अच्छा। भगवान की तो कृपा ये बनी रहे। अभी जो मैं जिस स्थान पे हूँ, मेरे इस स्थान पे जैसे कुछ गलत चीज वगैरह भी है क्या कुछ माता जी? अभी पहले आप इतनी सारी समस्याओं को तो ठीक करिए, फिर अच्छा उसके जी बाद में आगे की प्रोसेस, ये सारा गलत है सही है, सही है तो वो अच्छा रहे, गलत है तो अपने आप हटे, ठीक अच्छा अच्छा है। मन में भ्रांति घुसा अच्छा देना मेरे को नहीं आता, ठीक करना आता है। नहीं ठीक है माता हाँ जी। ठीक और है ये बेटा। लड़कों के लड़के के लिए अनुष्ठान करवाना पड़ेगा ना माता जी, हाँ अंगार पितृ योग के पितृ लिए? पितृ दोष और अंगारक योग काल सर्प दोष है। अच्छा, तीनों का अभी एक ही साथ निवारण होगा या फिर एक एक का एक एक बार में आप करवाना चाहें कि पड़ेगा? माता तीनों का एक साथ करें तो एक साथ भी निवारण होगा, आप चाहें कि अलग अलग हो तो अलग अलग भी होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्कार माता।